In Ma's words, अभिनय में जो महसूस करो वही आंखों तथा चेहरे में उतर आता है, वही भाव है। मन के उद्गार इतने गहरे हैं कि दूसरों के मन को छू जाएं। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रस। A guru, tough from the outside and soft from inside, extended his hand for support. Give as much as you can. That was his attitude. More you give, the more you will get from time. More you hide, you lose that forever. With hard work, talent and practice, khidmat, dimag or riyas, worshipping the devoted soul. Gungru banna maine sikha Maharaj ji ki wife se. Jab main jaati thi to कभी घुंघरू टूट गए, कुछ हो जाता था तो वो बेचारी वो आके बैठती हैं और पूरा बातें चीतें करती रहती थी। साथ में वो कुछ मंत्र भी पढ़ती थी। जब एक 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 घुंघरू डालती तो वो कुछ मंत्र पढ़ती थी से एक। और मैं जो हूँ गुरु मंत्र जो है ना, जब मैं बांधती हूँ अपने शागिर्दों के गुरु या किसी के भी बनाती हूँ तो मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का जाप करती रहती हूँ। जैसे अभी गुरु ब्रह्मा गुरु मन में कर लिए दर से, तो ये जो है घुंघरू ये महाराज जी के हाथ मैंने बनाना सीखा। और ये बांधते समय मुझे अपने बहुत पुरानी याद ताज़ी हो रही है मेरी, और वो है 1963 जुलाई लास्ट वीक था। वो तारीख मुझे ठीक से नहीं, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, लास्ट वीक में शायद पढ़ा था। तो उस दिन महाराज जी ने मुझे और मेरी गुरु बहन कपिला हम दोनों को गंडा बांधा। गंडा बांधने का मतलब ये कि गुरु जो है वो हमें गुरु को पूरा सरेंडर करना है। गुरु जो है हमसे कुछ छुपाएगा नहीं, जो कुछ तालीम उनको मालूम है ये वो सब बताएंगे। तो एक नया चैप्टर मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ जो कि मतलब बहुत पवित्र एक बंधन में मैं बंध गई थी महाराज जी से। वो ये कि जो मैं अपने दुख अपना सुख सब उनको बताती थी और वो जो है वो लाइक उनका हाथ मेरे सर पे था और हमेशा गाइड करते थे वो। तो उससे क्या हुआ कि उससे और भी एंथुजियाज़म बढ़ा नाच में सीखने का देखने का। तो उनके साथ तो पूरा मतलब फुल कोई ऐसा शो नहीं होता था, महाराज जी के साथ मैं नहीं जाती थी। और वहाँ कितने बड़े बड़े कलाकार लोग से मिलना हुआ, वाकफियत हुई। भाव सिखाने के लिए हमें इर्द गिर्द की बहुत सारी चीज़ें उनको समझानी पड़ती है, उन्हें सिखानी पड़ती है। और गुरुओं के साथ बैठ के उनके साथ कहते थे कि पूरा दिन बैठने के बाद एक लाइन भी नहीं सीख पाते थे। क्यों नहीं सीख पाते थे? क्योंकि पूरे दिन में वो आपके मन को तैयार करते थे। हमको लगता है हम तो उनकी सेवा ही कर रहे हैं, आप सेवा नहीं कर रहे थे सिर्फ, आप इनडायरेक्ट मेथड से वो आपको उस भाव के लिए तैयार कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट टच टू मी। कभी कभी तो ऐसा होता था, संध्या कहती थी कि छः छः दिन सात सात दिन हम जाते थे और कुछ सीख नहीं पाते। तो क्या हम कुछ भी नहीं सीखे थे? नहीं, हम उस समय में लय ताल और उसकी गूंजन जो आजू गुरु के इर्द गिर्द होती थी, चाहे वो घर में कपड़े की घड़ी करते थे, चाहे वो बर्तन के कुछ चाय बनाते थे, चाहे पक्षी को कुछ दाना डालते थे, उसी में भी एक लय थी, उसमें से भी कुछ सीखने मिलता था। एंड दिस इज रियली अ स्टडी फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन that why our Guru-Shishya parampara was so great. We were very particular to be in the tradition and do creative work within the tradition. Then only it will last, that tradition. Otherwise, anybody can do new. Of course, our Guruji was very talented and very creative. So he could have done his own style, like Uday Shankar did his own style. But then we believed that won't last long unless
that rich tradition is there, that strong tradition is there already, rich in every way. If we do creative work in that remaining in the tradition, that then it will last. उनके बारे में इतना कहूँगा कि वो टास्क मास्टर थे. कोई भी जरा से भी 1% भी हमको प्यार दुलार से कभी सिखाया ऐसा मुझे याद नहीं है. उनका प्यार अलग तरह से था. उनकी प्यार उनका प्यार उनकी तालीम में था और हमसे काम निकलवा लेने में था. कभी भी सुर यहाँ से वहाँ हो, कभी लय यहाँ से वहाँ हो, ये उनका उनको गवारा नहीं था. और उन्होंने हमको इसी तरह से सिखाया कि अपने आप के गुरु खुद बने. ये उनकी बहुत बड़ी सीख थी. उनसे जितना भी पाया उसके बारे में मैं कहूँ तो कम, क्योंकि 35 बरस की तालीम जब तक वो थे तब तक उनसे सीखा. उन्होंने एक दृष्टिकोण ऐसा दिया कि जो सीख रहे हो उसमें अपना कुछ ऐड करो, अपनी बात कुछ नई कहो. अगर मैं एक देता हूँ तो उसके तुम 10 करो. अगर एरिया पियादिन सिखाया है तो उसको एक तरीके से बताया तो उसको 10 तरीके से बताया. महाराज जी ने मुझे पूरा मतलब समझ के मुझे अपना असिस्टेंट बनाया, क्योंकि बहुत सारे बैलेज उनके साथ में हमने किए और पिक्चरों में भी डांस जो उन्होंने कोरियोग्राफ किया उसमें मुझे असिस्टेंट के तौर पे मुझे लिया और उससे मुझे बहुत तजुर्बा हुआ. ऐसे ही कई गाने हैं जो महाराज जी ने करे. सबसे पहले 62 की बात है, ये दिल किसको दूँ पिक्चर आई थी, उसमें था एक गाना, हमें दम दई के सौतन घर जाना, हमें दम दई के सौतन घर जाना, बलम घर जाना, हमें दम दई के. तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने महाराज जी के साथ किया, तभी मुझे ये सब लाइट कैसे अरेंज करते हैं, फिल्मिंग कैसे होती है. तो एज असिस्टेंट मैंने महाराज जी के साथ काम किया उसमें. और वो जो है वो पहले बता देते थे, फिर वो बैठ जाते थे, सिखाना मुझको ही पड़ता था. फिर उसके बाद आई एक और फिल्म बेनज़ीर, जिसमें मीना कुमारी कर रही थी, मतलब मेन रोल था उनका और सुनील दत्त. तो वो उसका भी गाना मैं एक बता देती हूँ, मुझे इस समय सब याद आ रहा है. बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, खुदा की अगर मेहरबानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी. और उसी दौरान वो दो तीन पिक्चरें इकट्ठे हुई थी, उसमें मुझे जीने दो में इनका वहीदा रहमान का, वो तो इतना अच्छा नाच करती थी, उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई बताने में. तो महाराज जी सेट करते थे और मैं उनको सिखाती थी. वही 1963 के एंड की बात है, बीमार हो गए और फिर उनको फिर से उनको बुलावा आया कि बच्चू भट्टाचार्य ने कहा कि आप नौटंकी का गाने हैं वो तीसरी कसम, तो आप आके डायरेक्ट कीजिए. तो महाराज जी तो बहुत बीमार थे, एडमिटेड थे, तो उनका तो जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था. फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि तुमने तो फोक डांसेस पे थीसिस लिखी है और नौटंकी तो तुम जानती हो, ये नौटंकी का गाना है, तो नौटंकी का डांस किया, तो तुम जाके करो. पान खाए सैया हमारो सौली सूरतिया होठ लाल लाल. मुझे अब बस यही है, पहले नहीं लगता था, पहले मैं कभी ऐसे सोची भी नहीं थी कि जैसे अब महाराज जी की काम किया मैंने, उनकी साथ असिस्ट किया, तो कभी वो क्रेडिट मुझे उन्होंने नहीं दिया, वो तब मुझे नहीं लगा. लेकिन लेटर ऑन जब वो पिक्चरें आती हैं स्क्रीन पे देखती हूँ कि ये मेरा, तो वहाँ पर जो क्रेडिट है ना, तो वो मुझे अब बुरा लगता है. मैं सोचती हूँ कि मुझे कम से कम थोड़ा सा आशीर्वाद मेरा नाम दे देते तो अच्छा था. क्या वो कोई बात नहीं, आई हैव लर्न सो मच कि मैं इतना चीज़ सिखा दी उन्होंने कि एक चीज़ से इतना कर दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
से आप कोई भी बोल का कितने हजारों बोल बना सकते हैं। और वही है अभिनय में भी, वही है कि जैसे कोई भी एक्शन करो या कोई भी फीलिंग से कोई हम चुमरी दिखा रहे हैं कुछ है, तो वो उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि एक शब्द को लेके आप काफ़ी देर तक उसी को बनाए रखें। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे दे दी कि जो आई कैन क्रिएट आइटम्स बोल्स। तो मैं सोचती नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट फील कभी कभी होता है।